तो अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के खातेगांव से आ रही है ये खबर। चलिए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। मध्य प्रदेश जिला देवास खातेगांव के मेकल सुता एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जो कि बच्चों के साथ साथ इस दौरान पालकों को भी आमंत्रित करके मनाया, जहां स्कूल के मंच के द्वारा नन्ही मुन्नी प्रतिभाओं को उनके अंदर छुपी हुई कला को बाहर निकालने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि बच्चों द्वारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर स्कूल परिसर में स्टॉल लगाए गए और उन्हें बेचा गया, जिसका आनंद पालक, टीचर और सहयोगियों ने लिया। आज 25 जनवरी 2020 को हमारे विद्यालय मेकलसुता एकेडमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, फन फेयर, जिसमें दो तरह के कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम और फूड स्टॉल। कल्चरल प्रोग्राम में बच्चे स्टेज पर अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं और फूड स्टॉल में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वे अपना कार्य स्वयं करें। आपने भी कोई प्रतियोगिता में भाग लिया या कोई पार्टिसिपेट? जी, हमने भी लिया है सोलो डांस कॉम्पिटिशन में। ग्रुप डांस के माध्यम से आपने क्या दर्शाया? ग्रुप डांस के माध्यम से हमने ये दर्शाया है कि जितना हो सके हम अच्छा कर सकें। ठीक, आपका नाम बताएं। हमारा नाम नेहा जाट, क्लास 10th। जनवरी 2020 में हमने आज फन फेयर का प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह था कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके अंदर जो अंतर्मुखी जो प्रतिभा है उसका विकास हो, उनके जो टैलेंट है वो हम उसको एक्सप्रेस करें। और इस लिहाज से हम हर प्रतिवर्ष इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं कि बच्चे अपने अंदर जो प्रतिभा है उसे प्रदर्शन करें। और इस तरह से हमने हमारे आज के प्रोग्राम में फन फेयर का प्रोग्राम था, जिसमें सभी तरह के प्रोग्राम थे, सोलो डांस प्रोग्राम, डांस, सिंगल डांस, सोलो डांस एंड द ग्रुप डांस। और हमने आल्सो द फन फेयर फेट का भी आयोजन किया था, जिसमें बच्चों ने फूड स्टॉल लगाई और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, और इसका लुत्फ सभी क्षेत्रवासियों ने, खातेगांव वासियों ने उठाया। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।